आज हम बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रीट और ढाबा स्टाइल में ग्रेवी वाली पनीर भुर्जी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। वैसे तो पनीर भुर्जी बहुत अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन आप एक बार इस तरीके से इसे बना के देखिए। मुझे यकीन है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अवनीज होमली फूड पे। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए हम यहाँ दो मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, 8 लहसुन, आधा इंच अदरक और 3 हरी मिर्च को पीस के इसका दरदरा सा पेस्ट बना के लेंगे। और इसके साथ ही हम 100 ग्राम पनीर और 200 ml दूध ले लेंगे। तो सबसे पहले हम 100 ग्राम पनीर को हाथों से ऐसे तोड़ लेंगे। आप इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन आज हम इसे ढाबा स्टाइल में बना रहे हैं तो हम इसे तोड़ के ही डालेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम सारे पनीर को तोड़ लेंगे। अब हम मसालों का पेस्ट बना लेते हैं। मसालों में सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच किचन किंग मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। फिर इसमें 4 चम्मच पानी डालेंगे और इसे मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर हम मसालों को इस तरीके से डालेंगे तो एक तो मसाले जलते नहीं हैं और दूसरा इनका टेस्ट ऐसे में बहुत बढ़िया आता है। उसके बाद हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें 10 ग्राम अमूल बटर डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, ढाबा स्टाइल में पनीर भुर्जी को बटर में ही बनाया जाता है और इससे पनीर भुर्जी का स्वाद भी दुगना हो जाता है। जैसे ही बटर सारा मेल्ट हो जाए, हम इसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे मिला के इसे अच्छे से पका लेंगे। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि प्याज अब सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। इन्हें भी हम मिला लेंगे और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के साथ पकने देंगे। तो देखिए, इन सभी का हल्का सा रंग चेंज हो गया है और ये अच्छे से पक भी गए हैं। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसे भी मिला लेंगे। फिर इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर को 2 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें मसालों का पेस्ट डालेंगे जो हमने पहले बनाया था। मसालों को अच्छे से सभी के साथ मिला लेंगे और इसे लो फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर पूरा सॉफ्ट ना हो जाए और मसाले भी अच्छे से पक ना जाएं। ये वाला स्टेप पनीर भुर्जी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना अच्छे से आप इन मसालों को पकाएंगे उतना बढ़िया स्वाद हमारी पनीर भुर्जी में आएगा। तो आप इन मसालों को लो फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट तक पकाएं। तो आप अब देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद बटर बिल्कुल अलग होने लग गया है। इसका मतलब कि मसाले अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें पनीर डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और फिर पनीर को मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कटोरी भर के दूध डालेंगे। अगर तो आप एकदम सूखी वाली पनीर भुर्जी बनाना चाहते हैं तो तब इसमें दूध मत डालिएगा। उस केस में आप इसे बिना दूध या पानी डाले सूखा ही पकाएं। लेकिन आप अगर इसमें दूध या पानी डाल के इसे ग्रेवी वाली बनाते हैं तो आप इसे रोटी और चावल दोनों के साथ खा पाएंगे। तो बस अब इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि पनीर में मसालों का बढ़िया सा टेस्ट आ जाए। लगभग 5 मिनट हो गए हैं और सभी चीजें पनीर के साथ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही स्वादिष्ट ग्रेवी वाली पनीर भुर्जी बिल्कुल तैयार है। तो बस अब गैस को बंद कर लेंगे और इसको फटाफट से सर्व कर लेंगे। आप इसे रोटी, पराठा, ब्रेड या चावल के साथ खा सकते हैं। अब आप भी पनीर भुर्जी एक बार इस तरीके से जरूर बना के देखिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो अवनीज होमली फूड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।